नमस्कार। नाइन्थ क्लास के सभी छात्र छात्राएं ध्यान दें, अपना जो हिंदी में काव्यखंड चल रहा है, काव्यखंड में चौथा जो लेसन चल रहा है कैदी और कोकिला। और कवि महोदय हमारे बहुत प्रसिद्ध कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का आपने नाम कई बार सुना, मैंने कवि परिचय दे दिया आपको और लगभग एक दो वीडियोस की भेज दी है आपको। ध्यान दें सभी छात्र छात्राएं नाइन्थ के, कैदी और कोकिला की बात कर रहे हैं। कैदी अपने आप में माखनलाल चतुर्वेदी की बात कर रहे हैं। और बता दूं कि जब आज़ादी की बात करें तो सबसे पहले जो स्वतंत्रता संग्राम में बात करें 1920 की बात कर रहा हूँ, उससे पहले का जो भी था 1800 में कुछ हुआ, 1920 में जो पहली मतलब यूँ कहें गिरफ्तारी भी या अरेस्ट किया गया तो किसको किया गया था, माखनलाल चतुर्वेदी को किया गया था। पहली बार उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की थी और जेल में रहे, और जेल में रहकर वहाँ पे पता लगाया कि जो जेल है, जो कैदी वहाँ रहते हैं, तो वहाँ पे जो स्वाधीनता, ठीक है, अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले जो भारतीय लोग थे उनके साथ अंग्रेज सरकार जो है वो किस प्रकार से दुर्व्यवहार करती है, उनकी द्रुप्ति करती है, उन्हें मारती पीटती है, भोजन भी समय पे नहीं देती है, और एक कैदी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए वैसा नहीं करके उनके साथ बहुत क्रूरता का व्यवहार किया जाता है। उस व्यवहार से आहत होकर, दुखी होकर, परेशान होकर जब कुछ दिन बाद ये बाद में जब ये इनको रिहा किया गया, छोड़ा गया, तब उन्होंने कविता लिखी है। तो उस दृश्य को उन्होंने जो नोट किया, बहुत ही मनोहारी दृश्य है। रात का समय है, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, ऊंची ऊंची दीवारें हैं और किसी ऊंचे पेड़ की शाखा पे कौन आ गई है, कोयल पक्षी आ गई है। कोयल पक्षी जानते हैं, तो कोयल पक्षी आकर के और वहाँ पे रात के 12-1 बज रहा है, और वहाँ पे क्या करती है, कूकती है, वहाँ पे अपनी मधुर वाणी का प्रसारण करती है। आप जानते हैं कोयल का कूकना बहुत मधुर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रात के 12 बजे तो होश की कोई सुने नहीं सुने, लेकिन जो जाग रहा है कौन, कैदी जाग रहे, क्योंकि टाइम पे खाना नहीं मिलता है तो भूख लगी है, नींद वैसे नहीं आती है। वैसे में जो माखनलाल चतुर्वेदी वो कहते हैं कि हे कोयल, हे कोकिल, आप इस मध्य रात्रि को क्यों कोक रही हैं, क्या आप पागल हो गई है, या कोई दुख या चिंता पीड़ा आपको सता रहा है, या आपको क्या नजर आ रहा है। तो कोयल के कोकने को एक संदेश भी मानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी, और वो उसे बुरा भी मानते हैं। जबकि कोयल को ऐसा लगता है, पिछले वीडियो में हमने देखा कि कोयल कहती है कि पूरा जो संसार है, इस संसार में भ्रष्टाचार है या धोखाधड़ी है, एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है, पीट रहा है, उसका अनहित मतलब बुरा कर रहा है, ठीक है, अनिष्ट कर रहा है, तो ऐसे में पूरा संसार कोयल को क्या लग रहा है, बंधनों से झगड़ा हुआ जेल लग रहा है, एक कारागार लग रहा है। किसको, कोयल को। उस कारागार के सभी कारागार के कैदियों को संबोधन करने के लिए कोयल कुछ सुनाती है, कुछ गाती है, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी क्या कहते हैं कि हे कोयल, आप हमें मधुर गीत न सुना करके मुक्ति का गीत सुनाइए कि हम इस गुलामी से कैसे मुक्ति पाए, इस दाता से कैसे दूर होवे, ठीक है, और अंग्रेजों का हमें जो शासन है, जो राज है, ये कैसे दूर हो, हमें अपने देश में बंदी बनाए रखा गया है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो कोयल, आप हमें कुछ ऐसा मुक्ति गीत सुनाओ जिससे हमारा उद्धार हो सके। ये सारी बातें जो है आप सुन भी चुके, मैंने रिवाइज कर दी, आपको याद रखना है। और अब बात करते हैं अगला जो हमारा ये पद है, ये मैंने दो नंबर डाल दिया, बल्कि पूरा एक कविता ही है, इसमें पदों का मतलब नहीं, पूरी कविता चल रही है, लेकिन जैसे मान लो एक पहला आ गया फिर दूसरे तरह से ध्यान रखना। क्यों भूख पड़ी, माखनलाल चतुर्वेदी कोयल से कह रहे कि तू क्यों भूख, भूखा मतलब होता है अंदर से दुख की आवाज निकालना, ठीक है, भूखना। तू क्यों भूख पड़ी, वेदना बोझ वाली सी, वेदना का मतलब होता है दुख ज्ञापित करना। तो कई बार हम रो के मम्मी पापा के सामने, टीचर के सामने, किसी के सामने अपना दुख व्यापित करते कि इसने मुझे मारा है, इसने पीटा, इस तरह से। तो वेदना का मतलब अपने आंतरिक दुख को दूसरे के सामने बताना, वेदना बोझ वाली सी। तो कोयल, जब तू बोल रही है तो तेरे संदेशों में मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा एहसास हो रहा है कि तेरी जो वेदना कैसी है, बोझ वाली, अर्थात बहुत अधिक बोझ तेरे पे है। कोकिल बोलो तो है, कोयल आप बताइए तो सर कि आपकी वेदना क्या है, आपकी समस्या क्या है, कोकिल बोलो तो। क्या लूटा, अर्थात किसी ने भी या कहीं भी कुछ लूटा हो तो क्या लूटा है वो बताइए, ठीक है, क्या लूटा, मृदुल भैरव की रखवाली सी। मृदुल का मतलब मीठेपन से रहते, बहुत मीठी की बात करते, मृदुल मीठा, अच्छा, मृदुल वैभव, वैभव का मतलब जानते हैं सुख संपदा होती है, उसे अच्छा घर है, अच्छा बंगला है, सभी लोग प्रेम से रहते हैं, वैभव आलिशान बंगला है, रहने खाने पीने सभी आयाम बहुत अच्छे होते हैं, उसे कहते हैं वैभव, सुख ये मान सुख। तो कहता है कि मृदुल वैभव की रखवाली सी, कि हे कोकिल आप बताइए कि क्या लूटा था। यहाँ पे अगर प्रतीकार्थ की बात करें तो यहाँ पे जो अंग्रेज शासन, अंग्रेजों शासन है, ब्रिटिश जो प्रेसवाद की बात करें तो उनका जो शासन था, उन्होंने हमारे पूरे सुख चैन को लूट लिया है,
ये कोयल भी काफी सुनारी और माधव त्रिवेदी अपने कविता में इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ का जो माहौल बहुत अच्छा था, क्या था, वैभवशाली था, वो सुंदर था, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने या अंग्रेज सरकार ने हमारे भारत से गुलाम बनाकर यहाँ का जो सुख वैभव था उसे लूट डाला है, लूट लिया है। तो हे कोकिल, हे कोयल, मर्द वैभव की रखवाली से था, आप जो आवाज कर रही है कि शायद आपकी क्या है, रखवाली कर रही है, आप उसकी पहरेदारी कर रही है। कोकिल बोलो तो, हे कोकिल आप बोलिए, क्या हुई बावली, अर्थात क्या आप बावली हो गई हैं, क्या अर्थात पगलाई गई हैं, क्या आपको इतना बोझ आवाज नहीं रहा कि भाई किस समय बोल रही, क्यों बोल रही हो। तो ये एक जनता को संबोधित करने के लिए माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि कोकिल जो बोल रही है वो मध्य रात्रि को बोल रही है, तो वो भारत के सुख चैन छिन जाने पर, अंग्रेजों द्वारा हमें लूटे जाने पर वो संदेश दे रही कि आपको जागना है, और जागने का मतलब ऐसे नींद से नहीं जागना, आपको होश में आना है और आपका जो कर्म है उसको समझ के अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालने का रास्ता आपको ढूंढ निकालना है। ठीक है, आगे अर्धरात्रि को चीख अर्थात है कोकिल आप मध्य रात्रि को चीख रही हैं, बोल रही हैं, तो ये वक्त आपका बोलने का नहीं है। कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, आप जानते हो कि रात को आप सोए हुए हैं, अचानक आपको दिखता है तो चिल्ला उठते हैं, हड़बड़ा उठते हैं, डर जाते हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी को लगा कि ये जो कोयल है, कोकिल है, इसने क्या देख लिया, किसी दावानल। प्यारे बच्चों, आपको दो चीज बताऊंगा, दो या तीन बता दूंगा आपको, ये है दावानल, क्या है ये, दावानल। तो एक तो होती है वर्ड वाकिन, क्या होती है, वर्ड वाकिन, ठीक है, बढ़िया लिख लेते इसको, वर्ड वाकिन, ठीक है, वाकिन कह सकते हैं। एक होती है जठराकिन, ठीक है, और एक होती है दावानल, क्या होती है, दावानल। तो देखिए ये तीनों क्या है, आग है। दावानल तो होती है कि जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं, क्या कहते हैं, दावानल, ठीक है। और ये जो वड़वागिन की बात करें तो वड़वागिन होती है समुद्र के अंदर, समुद्र तो बहुत बड़े बड़े विशाल काय या बहुत राशि वाले समुद्र होते हैं, समुद्र का जो पानी है, तालाबों का जो पानी, उनमें आग, आपने सिर्फ सुना, आप सोचे कि समुद्र में आग लगती, बिल्कुल लगती है, जानते हैं। तो वड़वागिन समुद्र की आग को कहा गया है, दावानल जंगल जो बहुत घने जंगल उनके आग को दावानल कहते हैं, तो दावानल वड़वागिन, ध्यान रखना, वड़वागिन समुद्र की आग को कहते हैं, दावानल ये जंगल की आग को कहते हैं, और बिच गई अपने मेरे को समझ लीजिए जठरागिन, तो जठर होता है हमारा पेट, और अग्नि का आग को पेट की आग, और आपको बता दो तुलसीदास ने भी बताया है कि जो जठरागिन पेट की आग सभी आगों से बढ़कर बताई गई है, पेट की आग शांत होती नहीं है, पेट की आग का मतलब होता है कि भाई कई प्रकार की हमारी आशाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं, और इस पेट के लिए इंसान इस देश से उस देश तक भी जाता है, पैसा कमाने, रोटी कमाने, तो पेट की आग को बहुत बड़ा बताया तुलसीदास जी के अनुसार। चलिए तो इन तीनों आग का आपको याद हो गए, तो वापस आइए, तो वो कहता है कि कोकिल क्या आपने रात को दावानल देख लिया था, दावानल जंगल में लगने वाली आग, आप क्योंकि पक्षी है, कोयल तो जंगल में रहेगी, जंगल में किसी पेड़ में बैठी बैठी क्या देख लिया है कि दावानल, मतलब जंगल में लगने वाली आग को देख लिया, और आग देखेगी तो बचाव के लिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या करेगी भाई, दौड़ेगी और चलेगी। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि आपने जंगल में लगने वाली आग देख ली है, उसकी ज्वाला उसके लपटे देख ली है। कोकिल बोलो तो, है कोकिल मुझे बताइए कि आपकी समस्या क्या है, क्यों आप मध्य रात्रि को बोल रही हैं, और ये जो मधुर संगीत आप सुना रही है इसकी वजह मुक्ति गीत सुनाती तो ज्यादा अच्छा रहता। तो नाइन्थ क्लास के तमाम छात्र छात्राएं ध्यान दें, सभी छात्र छात्राएं ध्यान दें कि हमारा जो कैदी और कोकिला है, ये स्वतंत्रता के लिए, आजादी की लड़ाई के लिए जो भी प्रयास किए गए उनसे संबंधित ये कविता है, जो हमें इसमें देखिए बात कर ले विशेष की, तो इसमें औज गुण का ध्यान रखना, औज गुण से भाई युद्ध के लिए ललकारना, औज गुण की बात करते हैं, भाषा सरल सीधी है ही है, खड़ी बोली का प्रयोग किया, भाषा खड़ी बोली, सीधी सीधी बात सुन रहे हैं तो खड़ी बोली, ठीक है ना, चल रहे हैं। तो अब ये बेटा अपना जो था पद इसको अपन ने पढ़ लिया है, अब कुछ शेष और बचा, दो वीडियो और बनेगी इसमें, उनको भी ठीक से पढ़ना, जो पढ़ाया जाता है उससे नोट भी करना है और याद भी करना है, क्योंकि सितंबर में आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे, क्लास टेस्ट भी होंगे, यूनिट टेस्ट भी होंगे, जिनका सिलेबस आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।